इस मूवी की कहानी 19 सेंचुरी की है, जब लोगों के बीच में कुछ ऐसी खबर जोर शोरों से फैली हुई थी कि कनाडा की एक जगह यूकॉन में लोगों को गोल्ड मिल रहा है और इसीलिए यूकॉन में दूर दूर से लोग सोने की तलाश में आ रहे थे। अब मूवी की शुरुआत होती है कैलिफोर्निया की सेंटा क्लारा वैली से, जहाँ एक डॉगी बक अपने मालिक जज मिलर के साथ मज़े से अपनी लाइफ बिता रहा है। पूरे शहर के लोग बक को उसके ओनर की वजह से जानते हैं और इसीलिए बक पूरे शहर में बिना रोक टोक घूमता है और बदमाशी करता है। एक बार जब बक ऐसे ही शहर में घूम रहा होता है तो कुछ लोग आपस में बात करते हैं बक को देखते हुए कि सोने की खदानों के लिए इसी तरह के डॉगीज की ज़रूरत है और ऐसे डॉगीज को बेचने पर अच्छे दाम भी मिलेंगे। और यही बात पास में खड़ा जज मिलर का जो गार्डनर होता है यानी माली, वो भी सुन लेता है। एक दिन जब मिलर का बर्थडे होता है तो इस वजह से जो वहाँ पर मेहमान आने वाले होते हैं उनके लिए बहुत सारा खाना बनाया जाता है और घर के बाहर एक टेबल पर सजा कर रखा जाता है। जब बक की नज़र उस खाने के टेबल पर पड़ती है तो वो उस टेबल पर टूट पड़ता है और पूरी टेबल का खाना गिरा देता है। मिलर जब ये देखता है तो वो बक पर बहुत गुस्सा करता है और पनिशमेंट के तौर पर उसे घर के बाहर निकाल देता है। अब जब रात हो गई होती है तो बाहर जोरों से बिजली कड़क रही होती है और बहुत अंधेरा होता है और बक बाहर बैठे बैठे बहुत घबरा रहा होता है कि तभी उसे घर के बाहर से उसी गार्डनर जो मिलर का माली है वो आवाज़ लगाता है और बक उस माली के बुलाने पर उसके पास पहुंच जाता है। अब बक बहुत भूखा होता है इसलिए माली बक के खाने के लिए बिस्किट फेंकता है एक बॉक्स के अंदर। बक जैसे ही उस बिस्किट के खाने के लिए उस बॉक्स के अंदर जाता है तभी माली बॉक्स को दूसरी तरफ से बंद कर देता है। उसी टाइम बक बॉक्स के अंदर से देखता है कि एक आदमी माली को कुछ पैसे दे रहा है और बक समझ जाता है कि उसके माली ने उसे बेच दिया है। बक अब जिस बॉक्स के अंदर बंद था उस बॉक्स को एक ट्रेन में चढ़ा दिया जाता है। बक को जब होश आता है तो होश में आते ही उसे बहुत भूख लग रही होती है, तभी उसी टाइम वहाँ एक आदमी आता है और उस बॉक्स को ओपन करता है जिसमें बक बंद था। जैसे ही वो आदमी बॉक्स को ओपन करता है बक उसी समय उस आदमी पर हमला करता है, पर वो आदमी बक को ज़ोर से डंडे से मारता है और उसी समय बक दोबारा से बेहोश हो जाता है। दोबारा जब बक की आँख खुलती है तो वो देखता है कि उसके चारों तरफ और भी कई सारे डॉगीज वहाँ पर बॉक्स में बंद है। अब बक और घबरा जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो बाहर आकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि बक यहाँ पर एक शिप के अंदर था और उसके चारों तरफ ठंडे पानी का समंदर था और इसलिए अब बक वहाँ फंस जाता है और कहीं भाग नहीं सकता। ये शिप अब अलास्का पहुंच जाता है जहां पर सोने की खदानें हैं। यहां पहुंचकर बक सबको हैरत भरी नज़रों से देखता है और उसी समय वहां पर बर्फ़ गिरने लगती है। बर्फ़ गिरते देख बक बहुत खुश होता है क्योंकि उसके लिए ये एक नई बात थी। अब दूसरी तरफ हमें एक बुज़ुर्ग आदमी दिखाया गया है जिसका नाम जॉन थ्रॉन्टन है और वो अपना घर बेचकर यहां से कहीं जा रहा है। यहाँ बक और जॉन की टक्कर हो जाती है और जॉन का हारमोनिका नीचे गिर जाता है, जिसे बक जॉन को लौटाने जाता है और इस पर जॉन बक को थैंक यू बोलता है और अपनी शिप में चढ़ जाता है। और यही जॉन और बक की पहली मुलाकात थी। अब यहाँ बक और उसके साथ कई सारे डॉगीज को बेचने के लिए एक बाड़े में बंद करके रखा जाता है। यहाँ बक दूसरे डॉगीज से दोस्ती करने की कोशिश करता है बट कोई भी बक से दोस्ती नहीं करता। उसी टाइम वहाँ एक आदमी पैरोल्ट आता है और बक को खरीद ले जाता है। दरअसल पैरोल्ट मेल डिलीवरी करने का काम करता है और उसे अपनी गाड़ी यानी अपनी बग्गी खींचने के लिए बक जैसे ही डॉगीज की ज़रूरत थी। अब पैरोल्ट बक को अपने दूसरे डॉगी से मिलवाता है जिनका लीडर स्प्लिट्स है। अब पैरोल्ट मेल डिलीवरी के लिए सभी डॉगीज को आगे ले जाने के लिए निकलता है और बक के गले में भी एक पट्टा बांधकर उसे उसी बग्गी के पीछे बांध देता है। जब ये सभी डॉगीज भागना शुरू करते हैं तो बक इनके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है क्योंकि बर्फ में दौड़ना बक के लिए एक नई बात थी और उसे भागने में काफ़ी परेशानी होने लगती है। बार बार बक भागने की कोशिश करता है लेकिन वो बार बार गिर जाता है। ये देखकर पैरोल्ट भी समझ जाता है कि बक को बर्फ में चलने में काफ़ी परेशानी हो रही है। अब पैरोल्ट अपनी साथी फ्रैंकोइस के साथ एक जगह कैंप लगाता है और वहीं सारे डॉगीज को आराम करने देता है। उसी रात बक को एक भेड़िया दिखाई देता है अंधेरे में और इसलिए बक डर के मारे वहाँ बर्फ के अंदर छुपकर सो जाता है।
अब अगले दिन फिर से पैरल्ट आगे बढ़ने के लिए निकलता है और फिर से बग भागने की कोशिश करता है, लेकिन सेम दिक्कत उसे अभी भी हो रही होती है। लेकिन पैरल्ट को अपनी मेल डिलीवरी का काम करना था, इसलिए वो आगे बढ़ता है। अब फिर से रात होती है और फिर से पैरल्ट कैंप लगाता है। यहाँ कैंप लगाने के बाद पैरल्ट सभी डॉगीज़ को खाने के लिए फिश देता है, लेकिन स्प्लिट्स जो कि सभी डॉगीज़ का लीडर है वो एक डॉगी की फिश छीन लेता है। जब बक ये देखता है तो वो अपनी फिश उस डॉगी को दे देता है और ऐसा होते देख सभी डॉगीज़ बक को हैरान भरी नज़रों से देखने लगते हैं। अब ऐसे ही मुश्किलों का सामना करते हुए बक और उसके साथी डॉग्स अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। एक जगह जब ये लोग सब रुके होते हैं तो सभी डॉगीज़ बहुत प्यासे होते हैं और वहीं पर स्प्लिट्स एक जगह से पानी पी रहा होता है, लेकिन दूसरे डॉगीज़ जब उस जगह पानी पीने आते हैं तो स्प्लिट्स उन्हें डरा के भगा देते हैं। जब बक ये देखता है कि सभी उसके साथी डॉगीज प्यासे हैं तो वो दूसरी जगह पर बर्फ में अपने पंजों से छेद कर देता है और उसमें से पानी निकलने लगता है। सभी डॉगीज बक की तरफ भागते हुए जाते हैं और उस जगह से पानी पीने लगते हैं। ऐसा देखकर स्प्लिट्स को बहुत गुस्सा आता है और वो सभी डॉगीज पर घुर्राने लगता है। अब इस तरह से पैरल्ट मेल डिलीवरी का काम कर रहा है और अब बग भी बर्फ में दौड़ना सीख चुका है। ऐसे ही रास्ते में आगे बढ़ते हुए फ्रैंकोइस एक जगह बर्फ की सतह चेक करते हुए पानी के अंदर गिर जाती है, लेकिन बग अपनी जान जोखिम में डालकर फ्रैंकोइस को बचा लेता है। अब फ्रैंकोइस जो कि बग को पहले पसंद नहीं करती थी, वो भी बग को पसंद करने लगती है और उसे खाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ें देती है और उससे बातें भी करती है। ये सब देखकर स्प्लिट्स को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और उसे मन ही मन बक से जलन होने लगती है। उसी रात जब पैरल्ट और फ्रैंकोइस सो जाते हैं तो बक को एक रैबिट दिखाई देता है और वो उसका पीछा करते हुए उसे पकड़ लेता है, लेकिन उसे मारता नहीं है। दरअसल बक उस रैबिट से खेल रहा था। अब वहाँ उसी टाइम और डॉगीज भी बक के पीछे पीछे आ जाते हैं और साथ में वहाँ स्प्लिट्स भी आ जाता है और वो रैबिट को गर्दन से पकड़कर मार देता है। इसके साथ ही स्प्लिट्स गुस्से में बक पर भी हमला करता है और उसे मारता है और नीचे गिरा देता है। सारे डॉगीज ये देखकर चिल्ला रहे होते हैं और बक को मोटिवेट कर रहे होते हैं, और बक को जब होश आता है बक स्प्लिट्स को गर्दन से पकड़ता और ज़मीन पर ज़ोर से पकड़ देता है। ये देखकर स्प्लिट्स बहुत डर जाता है और वो अपनी हार मानकर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जब पैरल्ट और फ्रैंकोइस की आँख खुलती है तो वो स्प्लिट्स को बहुत चिल्लाते हैं, लेकिन स्प्लिट्स कहीं नहीं मिलता। अब सभी डॉगीज बक को देख कर चिल्ला रहे होते हैं। बक पैरल्ट के सामने जाता है और स्प्लिट की जगह जाकर खड़ा हो जाता है, लेकिन पैरल्ट स्प्लिट की जगह अपने पुराने डॉगीज को ही बांधना चाहता है और ऐसा करने के लिए वो अपने पुराने डॉगी को आगे बुलाता है, लेकिन कोई भी डॉगी स्प्लिट की जगह नहीं चाहता। तभी वहाँ बक फिर दोबारा से आगे आता है और सारे डॉगीज भौंकना बंद कर देते हैं। तो इससे पैरल्ट समझ जाता है कि अब सब डॉगीज चाहते हैं कि उनको लीड करने के लिए बक को ही आगे बांधा जाए, इसलिए पैरल्ट बक को आगे बांध देता है। अब सारे डॉगीज पूरी ताकत से कर दौड़ते हैं और बक को भी दौड़ता हुआ देख पैरल्ट उसे काफी इंप्रेस हो जाता है। अब थोड़ी दूरी पर पैरल्ट को बर्फ फिसलती हुई दिखाई देती है। पैरल्ट बक को बाईं तरफ मुड़ने का इशारा करता है, लेकिन बक को अपनी दाहिनी तरफ दोबारा से एक भेड़िया दिखाई देता है, इसलिए बक दाहिनी तरफ ही मुड़ जाता है और सभी को बर्फ में दबने से बचा लेता है। अब बक अपनी पूरी रफ्तार और सूझबूझ से उनके फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है और यहां पैरल्ट सबको टाइम से उनकी मेल डिलीवर कर देता है। जब बक सबको उनके लेटर्स पढ़ता हुआ देखता है तो ये उसके लिए एक नया एहसास होता है। यहीं एक कैबिन में जॉन थ्रॉन्टन भी दिखाया जाता है जो कि अपनी वाइफ को लेटर लिख रहा होता है और अपने बेटे टिम को याद कर रहा है। दरअसल जॉन का बेटा टिम अब इस दुनिया में नहीं रहा है और इसीलिए इसी दुख के कारण जॉन ने भी अपना घर छोड़ दिया था। अब फिर से रात में बक को एक भेड़िया दोबारा से दिखाई देता है। दरअसल बक को जब जब ये भेड़िया दिखाई देता है ये एक तरीके का बक के लिए शुभ शगुन था। अगले दिन जॉन पैरल्ट के पास भाग कर आता है और उसे अपनी एक चिट्ठी देकर उसे डिलीवर करने के लिए देता है। यहाँ बक और जॉन एक दूसरे को पहचान लेते हैं और ये उन दोनों की अब दूसरी मुलाकात थी। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत रहे होते हैं कि एक दिन पैरल्ट को सरकारी चिट्ठी मिलती है जिसमें ये मैसेज होता है कि सब डॉगीज को बेच पैरल्ट को अब क्यूबिक वापस जाना है, क्योंकि अब टेलीग्राम शुरू हो चुके हैं और अब लेटर्स को
कोई यूज़ नहीं करता। इसलिए अब पेरोल्ट और फ्रांसिस को सभी डॉगीज को छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ हॉल नाम का एक आदमी सारे डॉगीज को अपनी बग्गी चलाने के लिए खरीद लेता है, क्योंकि हॉल भी गोल्ड की तलाश में यहाँ आया है और उसे भी ऐसे ही डॉगीज की तलाश थी। अब हॉल सभी डॉगीज को बग्गी से बांध देता है और आगे बढ़ने के लिए निकलता है। बग्गी में ज़्यादा वजन होने के कारण डॉगीज उस बग्गी को खींच नहीं पाते और इस पर हॉल को बहुत गुस्सा आता है। तभी हॉल का एक साथी चार्ल्स डॉगीज को मारने आता है कि तभी वहाँ जॉन पहुँच जाता है और उसे ऐसा करने के लिए मना करता है, और साथ ही वो हॉल को एक तरीके से सजेशन देता है कि अभी आगे जाना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि बर्फबारी शुरू होने वाली है और इसमें बहुत जोखिम है। लेकिन हॉल जॉन की बात नहीं सुनता और आगे बढ़ जाता है। अब इसीलिए हॉल की जिद के कारण सारे डॉगीज बुरी तरह थक जाते हैं और बक भी बेहोश हो जाता है। बक बेहोश हो चुका है इसलिए हॉल अपनी गन निकालकर बक को शूट करने वाला होता है कि तभी वहां जॉन पहुंच जाता है और हॉल को फिर आगे जाने के लिए मना करता है। लेकिन तब भी हॉल अपनी जिद पर अड़ा रहता है और इसलिए वो बक को बग्गी से अलग करता है और बाकी डॉगीज को लेकर आगे बढ़ जाता है। इसके बाद जॉन बक को अपने साथ ले जाता है और यहाँ बक करीब 2 दिन तक बेहोश पड़ा रहता है, और जब बक को होश आता है तो उसे जॉन बताता है कि उसके सभी साथी उस बर्फबारी में मारे गए और अब तुम जहाँ जाना चाहते हो वहाँ जा सकते हो। इसके बाद जॉन एक बार में जाता है और वहाँ जॉन को देखकर हॉल उसे मारने आता है। तभी वहाँ बक पहुँच जाता है और हॉल पर हमला कर देता है। ये देखकर बार के सभी लोग हॉल को धक्के मार के उस बार से निकाल देते हैं और जॉन भी बक को अब घर लेकर वापस आ जाता है। घर पहुंचकर जॉन ड्रिंक करने लगता है, लेकिन ये बात बक को बिल्कुल सही नहीं लगती, इसलिए वो जॉन की बोतल निकालता है और बर्फ में दबाकर उसके ऊपर बैठ जाता है। जॉन उस बोतल को निकालने की बहुत कोशिश करता है लेकिन बक इतना हैवी होता है कि जॉन उसे हिला भी नहीं पाता। धीरे धीरे जॉन और बक की अब आपस में बहुत अच्छी बाउंडेशन होने लगती है। जॉन बक को अब एक मैप दिखाता है और उससे कहता है कि एक बार उसके बेटे टिम ने इस मैप के बाहर एक लाइन बनाई थी और ये कहा था कि मैप के सहारे तो हर कोई जाता है, हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे, तो चलो क्यों ना ऐसा करते हैं कि अब हम इस रास्ते पर चलते हैं और सोने की तलाश करते हैं। अब अगले दिन जॉन और बक नदी के रास्ते बोट पर उस जगह के लिए निकलते हैं। नदी का बहाव बहुत तेज होता है इसलिए उनकी बोट में छेद हो जाता है। अब ये दोनों बोट छोड़ देते हैं और जमीनी रास्ते से अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगते हैं। यहाँ जॉन को रहने के लिए कैबिन भी मिल जाता है। जॉन अब उस कैबिन की सफाई करता है और दोनों कैबिन के अंदर रेस्ट करने लगते हैं। तभी बक को बहुत सारे भेड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है और इस पर बक बहुत डर जाता है, लेकिन जॉन बक को समझाता है कि ये तुम्हारे पूर्वज ही है और इनसे तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। अब ये दोनों उस कैबिन से निकलकर बाहर नदी में जाते हैं और वहाँ नहाने लगते हैं। हॉल भी जॉन को ढूंढते हुए उनके कैबिन तक पहुंच जाता है और यहाँ हॉल को जॉन का मैप मिल जाता है और वो समझ जाता है कि ये दोनों कहाँ गए हैं। अब जॉन जब नदी में नहा रहा होता है तभी उसे एक सोने का टुकड़ा मिलता है जिसे देखकर जॉन बहुत खुश हो जाता है। अब जॉन और बक दोनों ही नदी से सोना निकालने लगते हैं। तभी बक को एक सफ़ेद भेड़िया दोबारा से दिखाई देता है। बक उस भेड़िए के पीछे भागता है। बक फिर उसके सामने जाकर दोस्ती का हाथ बढ़ाता है लेकिन वो भेड़िया वहाँ से भाग जाता है। इस तरह बक इन भेड़ियों को एक साथ देखता रहता है। एक बार इन भेड़ियों का झुंड शिकार कर रहा होता है कि तभी एक भेड़िया नदी के तेज बहाव में गिर जाता है और तभी वहाँ बक पहुँच जाता है और अपनी सूझबूझ से उस भेड़िए को बचा लेता है। अब सभी भेड़िए बक से दोस्ती कर लेते हैं और उसको अपने झुंड में शामिल कर लेते हैं। अब ज़्यादातर टाइम बक अपने नए दोस्तों के साथ बिताने लगता है और रात होने पर जॉन के पास आ जाया करता है। बक इन नए दोस्तों के साथ बहुत खुश है लेकिन बक की अब्सेंस में अब जॉन अपने आप को अकेला महसूस करने लगा है। ऐसे ही एक दिन जॉन और बक नदी के किनारे होते हैं कि तभी वहाँ दोबारा से सफ़ेद भेड़िया आता है और बक को बुलाने लगता है। जॉन बक की तरफ देखता है और बक को उसके साथ जाने को बोलता है। बक अपने दोस्त के साथ चला जाता है और जॉन छुपकर उनका पीछा करके उन्हें देखता है, तो उसे समझ आता है कि बक इनके साथ बहुत खुश है और इन लोगों ने भी बक को अब अपने परिवार का हिस्सा मान लिया। ये सब सोचते हुए जॉन को भी अपनी फैमिली की याद आने लगती है और अब वो अपने आप में डिसाइड कर लेता है कि वो अपने परिवार से दोबारा जाके मिलेगा। इसलिए जॉन नदी के किनारे मिला हुआ सोना पूरा पानी में फेंकने लगता है और कुछ टुकड़े अपने साथ ही रख लेता है। जब बक आता है जॉन के सामने तो जॉन उसे बताता है और उसे बोलता है कि तुम्हें तुम्हारा परिवार मिल गया है, अब तुम इनके साथ यहीं रहो। जॉन की ये बात सुनकर बक उदास हो जाता है और वो अपने भेड़िया दोस्त के साथ लौट जाता है।
अब रात होती है कि तभी वहाँ जॉन को अपने कैबिन में कुछ आवाज़ सुनाई देती है। जॉन तुरंत लालटेन लेकर चेक करता है कि ये आवाज़ किस चीज़ की है। तभी उस पर कोई फायर करता है, उसकी लालटेन नीचे गिर जाती है और पूरा कैबिन जलने लगता है। दरअसल ये फायरिंग हॉल ने की थी और वो यहाँ जॉन से बदला लेने आया है। अब इन दोनों के बीच में ज़ोरों से लड़ाई होती है और इसी बीच जॉन को गोली लग जाती है। हॉल जॉन को जान से ही ख़त्म करने वाला होता है कि तभी वहाँ बक पहुँच जाता है और हॉल को जलते हुए कैबिन के अंदर फेंक देता है। जॉन पूरी तरह घायल हो चुका था, इसलिए वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। बक जॉन की डायरी लाकर उसे देता है, लेकिन मरता हुआ जॉन बक को सहलाता है और ख़त्म हो जाता है। जॉन के ख़त्म होते ही बक उदास हो जाता है और तभी वहाँ सफ़ेद भेड़िया आ जाता है और उसे सांत्वना देता है। अब कुछ समय बाद का सीन दिखाया गया कि बक अपने झुंड के साथ घूम रहा है और अब बक के बच्चे भी हैं और पूरे जंगल में इन सब भेड़ियों को लीड करता है खेल